ये तुम कौन सी आवारा गर्दियां करती फिर रही हो मेरे घर में? फराज के साथ डिनर पे जा रही हूँ। और कहाँ? अश्विन भाई हम दोनों को डिनर पर लेके जा रहे हैं। तुम क्या चीज हो बस? पहले तुमने इलियास को, फिर फराज को और अब असफन को भी अपने पीछे लगा लिया। कौन सा जादू किया इन सब पे? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और अगर मुझे जादू करना आता तो सबसे पहले आप पर ना करती। मैं सब कुछ अच्छी तरह से नोट कर रही हूं। एक बात कान खोल के सुन लो, ये मेरा घर है, इस घर की एक एक चीज मेरी है और मैं तुम्हें किसी चीज पे कब्जा करने नहीं दूंगी। कान खोल के सुन लो ये बात। हेलो समीन, तुमने आना है नहीं आना, कितना इंतजार करवाओगी मुझे और भाई को? आई एम सो सॉरी, मैं बस आ रही हूँ। ठीक है, आ जाओ। फराज वेट कर रहे हैं, मुझे जाना होगा अभी। आई एम सॉरी। सुन भाई, अब तो बता दें कौन है वो, कहाँ पर है, कहाँ मिली और अब तक आई क्यों नहीं है। अरे बाबा, थोड़ा सब्र कर लो, जहाँ इतना सब्र किया थोड़ा और कर लो, जब वो आएगी तो खुद ही देख लेना। वैसे अश्विन भाई, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आपको किसी से प्यार भी हो सकता है। आई मीन, आप हमेशा से अपने काम और अपने स्टडीज में इतना इन्वेस्टेड थे कि ये प्यार और मोहब्बत की बातें तो बहुत दूर की हैं। और मैंने आपको आज से पहले इतना खुश भी नहीं देखा जितना अभी देख रहा हूँ। जाहिर सी बात है यार, पहली मोहब्बत है, इतना खुश होना तो बनता है। एक मिनट, वो आ गई वो। ओके, मैं उसे लेकर आता हूँ, अच्छे से वेलकम करें। ठीक है, ओके। कितने खुश हो रहे हैं। हाँ, बहुत हो गया। ये रहा आप लोगों के सवालों का जवाब। हरीम को तो आप लोग मुझसे पहले से ही जानते हैं, पहले की दोस्ती है, लेकिन अगर नया इंट्रोडक्शन करवाऊं तो शी इज माई फ्यूचर वाइफ। शादी करना चाहता हूं मैं इनसे और ये काम तुम दोनों की मदद के बगैर पॉसिबल नहीं है। क्या हुआ, तुम दोनों तो बिल्कुल ही हैरान परेशान हो गए। हरीम हरीम आपसे मोहब्बत करती है। What? और आपसे शादी करना चाहती है। शादी मुझसे? जी, वो आप ही से शादी करना चाहती है और चाहती है आप अपने वालदैन को भेजें रिश्ते के लिए, और अगर ऐसा ना हुआ तो वो खुदकुशी कर ले। एक्सक्यूज फराज, समीन प्लीज बैठो, हरीम बैठिए। क्या
क्या हुआ, तुम लोग इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हो? हरीम तो तुम दोनों की पहले से दोस्त है ना? फराज कहाँ गुम हो गए? मुझे लगता है मुझे आपके साथ देख के बहुत सरप्राइज हुए। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे ना मुझे, लेकिन ऐसे ही होता है, जिंदगी तो इसी को कहते हैं। जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता जिंदगी में वो भी होता। क्यों समीर, ठीक कह रही हूँ ना मैं? वैसे तो हम दोनों की मुलाकात आप लोगों की शादी में हुई थी। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। एक्चुअली इस सब की वजह यह है कि कुछ दिन पहले हरीम के फादर की डेथ हो गई। ये बहुत उदास थी, परेशान थी। मैंने इनसे वादा किया था कि मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा इन हालात में। बस फिर हरीम, तुम ठीक हो ना? भाई आप ये शादी नहीं कर सकते, और इस मामले में मैं आपका साथ हरगिज नहीं दूंगा। फराज क्या हो गया तुम्हें, क्या कह रहे हो ये?